पहले कहे ये लाखों की भीड़ इस बात की गवाह है कि आने वाला वक्त राजस्थान की धरती पर सचिन पायलट का होगा। अजीत सिंह वर्मा साहब जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष साथियों, ये मंच पर जितने भी नेता बन रहे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय सभी अतिथिगण और इस प्रसिद्ध और ऐतिहासिक धरती पर मौजूद इतनी बड़ी तादाद में हमारे किसान भाई, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले इस धरती को और आप लोगों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। इस जोश से, इस उमंग से आपने हम सबका स्वागत किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जब लोगों के नाम ले रहा था कि माइक में कौन बोल रहा है, शांति से 10 मिनट मेरी बात सुन लो, खुद ना जाना बात। मैं नाम ले रहा था मुरारी जी का, तो मुरारी जी को संबोधित करने के लिए पहले मैं हमेशा विधायक महोदय कहता था, बाद में मंत्री महोदय कहता था, अब धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई है मुरारी जी को सांसद महोदय कहने की। तो मैं आप सब लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने लोकसभा के चुनाव के अंदर जो परिणाम दिए दौसा लोकसभा क्षेत्र में, कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सबसे बड़ी जीत पूरे प्रदेश में कहीं हुई है तो दौसा लोकसभा क्षेत्र में हुई है। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने आशीर्वाद दिया। मदन लाल जी उपचुनाव में विधायक बने, दोबारा विधायक बने, मंत्री बने और आज सांसद। तन्ना जी 400-500 वोट से चुनाव हार गई, जनता ने आशीर्वाद दिया, आज वो सांसद बनी। ये सब हमारे साथी जो आपके बीच में आज आए हैं, इन सब लोगों को जनता का असीम प्रेम और आशीर्वाद मिला है। आप सबका सहयोग, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद हम सबकी बहुत बड़ी ताकत है। और मैं जब इस क्षेत्र में आ रहा था, रास्ते में सैकड़ों जगह आप सब लोगों ने रोका, अभिनंदन किया, स्वागत किया, आज एक शहीद की मूर्ति का हमने अनावरण किया, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, ये जो यहाँ हमारे नौजवान साथी खड़े, इतना जोश, इतनी गर्मी में, इतनी उमस में आप लोगों का जो उत्साह है वो हमें बहुत उम्मीद देता है, बहुत ताकत देता है। लेकिन जो बात मंच से सभी लोगों ने कही मैं भी दोहराना चाहता हूँ, सफेद कमीज, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनो। जब तक हम सब साथी अनुशासन में काम नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करेंगे, दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं, अनुशासनहीनता दिखाएंगे, तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। हम सबको सभ्यता, समझदारी, संयम, अनुशासन के साथ आगे जाना है, आगे काम करना है। हम सब लोग राजनीति से जुड़े हैं, राजनीति में जनता का समर्थन सबसे बड़ी ताकत होती है, समर्थन दिखाने का भी समय और तरीका है। आपकी बड़ी तादाद में, इतनी गर्मी और उमस में आप लोग आए हो, आपकी इच्छा है, आप रहे, आपका प्यार है जो आप यहाँ उपस्थित हो, और इतनी देर से आप लोग खड़े हो इस क्षेत्र में। और मुझे इस बात का जरूर दुख है, जब मैं दौसा का सांसद था मुरारी जी, तो महुआ लोकसभा क्षेत्र दौसा में नहीं था, स्वर्गीय पायलट सांसद थे, अभी ये क्षेत्र सांसद दौसा क्षेत्र में नहीं था, लेकिन आप लोग क्षेत्र ने बहुत ताकत दी है। जीवन में अनेक उतार चढ़ते हैं, अच्छा समय आता है, बुरा आता है, लेकिन यहाँ के लोग, 36 कौम के लोग तो ताकत देने का काम किया, बात देने का काम किया और सम्मत देने का काम किया। जब समय अच्छा होता है, जब तारे बुलंद होते हैं तो पूरी दुनिया आती है, सब आ जाते हैं। जब बुरा समय आता है, कठिनाई आती है, चुनौती आती है, तब जो लोग साथ खड़े होते हैं वही अपने होते हैं, वही सच्चे होते हैं। और हम जब लोग यहाँ मंच पर बैठे, हमको जिम्मेदारियां दी हैं,
मैं मेरी पार्टी में महासचिव के रूप में काम कर रहा हूं और मुझे एक दूसरे राज्य की जिम्मेदारी दी हुई है छत्तीसगढ़ की, वहां पर मैं पार्टी के लिए पूरी जी जान से लगा हुआ हूं। लेकिन आप लोग फिक्र मत करो, राजस्थान की जनता बीच में रहकर आपके सारे काम करवाने का काम हम लोग करेंगे। आज हम लोग विपक्ष में हैं और मुझे बड़ा खेद है, सरकार बनती है जनता के वोट से, यहाँ पर भी सरकार बनी है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन जो लोग व्यक्ति जयपुर में बैठे जिनकी सरकार बनी है उनका दायित्व तो बनता है कि बिना भेदभाव के काम होना चाहिए, ग्रामीण इलाकों में विकास के काम होने चाहिए। अब 9-10 महीने हो गए, आज RPSC में जो हाल है, जो नौजवान परीक्षा देते हैं उनके साथ छलावा होता है, जो लोग चयन प्रक्रिया में सामने बैठकर पूरे संसाधन को संभालते हैं, अगर वही चोरी कर रहे हैं, वही पकड़े जा रहे हैं, तो जनता की आस्था कहाँ पे रहेगी, नौजवानों का विश्वास कैसे रहेगा। जो लोग परीक्षा बनाते हैं, परीक्षा करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, अगर वही रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, और मैंने सवाल उठाया व्यवस्था के ऊपर, मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से को राग लपेट नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई है। सुन लो, जो व्यवस्था है उसको सुधारना का हर समय बोला, नौजवान बच्चे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी, वो किसी भी दल का हो, पार्टी का, कोई भी नेता कर्मचारी हो, अधिकारी हो, बच्चों की परीक्षा में आप पैसा लेकर पेपर बेचो, पेपर लीक कराओ, इंटरव्यू के लिए रिश्वत लोगे, बेईमानी फैलाओगे, लाखों लाख बच्चे तैयारियां करते हैं, उनके माँ बाप अपना पेट काट काट के बच्चों के ट्यूशन की फीस जमा कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, हॉस्टल में रखवाते हैं, शहरों में जाके बच्चे रहते हैं, दो दो तीन दिन चार तक मेहनत करते हैं, और फिर परीक्षा करो, पता पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, तो क्या बीतती होगी उस परिवार के दिल पर, और गरीब परिवार के दिल पर, बड़े बड़े धन्ना सेठों के बच्चे परीक्षा नहीं देते, ये परीक्षा कौन देते हैं, गाँव गरीब रह